एक मशीन जीवन शैली को आसान करने में मददगार साबित होती है, और आज के जमाने में जो रोबोट्स की टेक्नोलॉजी आ गई है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से चीजें और भी सरल और आसान होती जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक मल्टीपर्पस रोबो। ये रोबो किस तरह से काम करता है, आखिर इसकी क्या खूबी है, इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इसके जनक भुवनेश जी, उनसे बात करते हैं। भुवनेश जी, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक ये मल्टीपर्पस रोबो बनाया है, ये किस तरह से और क्या क्या काम कर सकता है? ये मल्टी यूटिलिटी जो हम लोगों ने रोबोट बनाया है, ये स्पेशली डिफेंस के अंदर ये काफी यूजफुल साबित है। इसमें किसी भी टाइप की आप आम लग के बॉम्ब डिफ्यूजिंग के अंदर भी काम में लिया जा सकता है। रेस्क्यू के अंदर ये कैजुअलिटीज वगैरह को ये रेस्क्यू के अंदर अवॉइड कर सकता है, उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकता है स्पेशली एरिया के अंदर। इसके अलावा इसका यूज फायर फाइटिंग के अंदर भी हम लोग करते हैं, फायर फाइटिंग मॉनिटर्स के ऊपर माउंट करके। तो बेसिकली ये मल्टी यूटिलिटी जो प्लेटफॉर्म है, हम लोग एग्रीकल्चर के लिए भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि एग्रीकल्चर में भी कुछ किसानों को कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो वो भी इससे हम लोग फुलफिल कर सकें। तो बेसिकली ये रोबोट पूरा मेक इन इंडिया है, हम लोगों ने यहाँ डेवलप किया, इसका डिजाइन एंड एवरीथिंग इज कम्प्लीटली मेक इन इंडिया। ये मल्टी टेरेन सरफेस पे वर्क करता है, मतलब किसी भी टाइप की सरफेस पे इजिली काम कर सकता है। ये 30 सेंटीमीटर की जो हाइट होती है उस पर भी ये क्लाइम कर सकता है। 250 kg का ये ड्रैग क्रिएट कर सकता है, ये बड़े व्हीकल्स को ड्रैग करने के लिए भी काम आ सकता है। तो बेसिकली कह सकते हैं इसको हम लोग मल्टी यूटिलिटी और मल्टी टेरेन काइंड ऑफ इसको डिजाइन किया, ताकि मल्टीपल एप्लीकेशंस में भी इसको हम लोग यूज कर सकें। अच्छा, इसमें ये कुछ खास देखने को मिल रहा है, इसके जो व्हील्स हैं ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ व्हील्स हैं, जो कि अमूमन देखने को मिलता है कि आर्मी में जो टैंक्स होते हैं, शायद कुछ उस तरह का डिजाइन किया गया है आपके द्वारा। हाँ, तो बेसिकली इसका जो डिजाइन करने के पीछे जो बेसिकली जो मोटो है वो यही है कि इसको हम लोग डिफेंस के अंदर और मल्टी टेरेन के अंदर हम लोग एप्लीकेशन को डेवलप कर सकें। बेसिकली आर्मी टैंक्स वगैरह के अंदर भी यदि हम कहीं वो रोबोट्स डिप्लॉय करते हैं, या फिर मशीनरी जो टैंक्स वगैरह डिप्लॉय होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जाने माल की हानि की संभावना रहती है। ये चीप रोबोट्स हैं, इनमें किसी ये 300 मीटर दूर रिमोट कंट्रोल से हैंडल हो सकते हैं, तो कैजुअलिटी के जो केसेस होते हैं इससे काफी अवॉइड हो सकते हैं। और बेसिकली यदि बात करें हम लोग, हमारी जो आर्मी होती है वो काफी ज्यादा रिस्की एरियाज के अंदर काम करते हैं, वहाँ के एरियाज भी ऑल टेरेन होते हैं, मतलब कोई डिफरेंट सड़कें नहीं होती, प्रॉपर नहीं होती, तो ऐसी जगह पे ये रोबोट इजिली काम कर सके। तो बेसिकली इस चीज के लिए हमने इसको डिजाइन किया है। लेकिन आपने कहीं पर भी डिफेंस के पास या फिर कहीं पर इसका प्रेजेंटेशन दिया है या? बेसिकली अभी करंटली ये फायर फाइटिंग के लिए रोबोट यूज हो रहा है। डिफेंस के अंदर हम लोग इसको अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। अभी इसके जो यूज केसेस हैं वो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग जनरेट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली फिर इसको हम लोग प्रपोज भी कर रहे हैं डिफेंस के अंदर भी, कि कैसे इसके सक्सेसफुल कह सकते हैं एप्लीकेशन डेवलप हो सके। डिफेंस की बात की आपने, आपने बात की फायर फाइटिंग सिस्टम की, ये फायर फाइटिंग सिस्टम में किस तरह से वर्क करेगा, क्योंकि शहर के मद्देनजर तो सबसे ज्यादा जरूरी फायर फाइटिंग सिस्टम ही है। मैं राजस्थान केस की बात करता हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा फायर का जो एक इवेंट ऑक्यूर हुआ था, दैट इज IOCL, उस केसेस की सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज थी कि उस इतने ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी कि उसके पास जाके कोई फायर फाइटिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। उसी वजह से हेलीकॉप्टर्स या फिर उनके थ्रू भी प्रॉपरली फायर फाइटिंग नहीं हुई, तो उसको ऐसे कैसे छोड़ दिया था, आपको भी आइडिया है। तो उन सब केसेस के लिए रोबोट डिजाइन है, ये बिल्कुल क्लोज जहां पे भी फायर इवेंट एक्चुअल हो रहा है उसके बिल्कुल क्लोजली जाके फॉर्म है या फिर फायर वाटर है वो सब कुछ इमिट करता है। तो उस सब केसेस से जो फायर की जो रूट होती है बेसिकली उसी को हमें फायर फाइटिंग करनी होती है, रूट में जाके उसको ये फायर फाइटिंग करता है। तो ऐसे केसेस के अंदर जो ऐसे चांसेस बनते हैं, सपोज कोई फायर क्रैकर्स की शॉप में आग लगती है, ऐसे वाले केसेस के अंदर भी ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है। कभी ऐसे केसेस होते हैं इंडोर इन्वायरमेंट में आग लगती है, जहां पे किसी पर्सन के दम घुटने के चांसेस होते हैं, वहां फायर फाइटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, तो वहां पे भी रोबोट सक्सेसफुली काम कर सकता है। इसमें कैमराज भी माउंट होते हैं, मॉनिटर्स भी माउंट होते हैं, तो अकॉर्डिंगली ये यूज केसेस के हम लोग यदि एक्सप्लोर करें तो एक इंसान को किसी जगह पे ऐसे केसेस में डिप्लॉय करना जहां पे उसकी जान माल की हानि हो सकती है, तो उस केसेस के हम लोग रोबोट अभी डेवलप कर रहे हैं। रोबोट्स वाकई में इंसान के लिए फायदेमंद है, बिना 5.0 अपने आप में एक उदाहरण है इसका, और कहा जा सकता है कि इसके माध्यम से ना सिर्फ डिफेंस में बल्कि शहर में भी यहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम के माध्यम से इसको आगे लाया जा सकता है, और नगर निगम को या फिर कहा जाए फायर डिपार्टमेंट को मजबूत किया जा सकता है। जयपुर से अंकुर जाकर, ईटीवी भारत। सतत 24 कलाक समाचार जो आ माटे डाउनलोड करो ईटीवी भारत एप।